तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी के A52s के नए अपडेट्स के बारे में, या फिर बोल सकता है A52s के नए सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में, जो कि रिसेंटली आज ही रोल आउट किया गया इंडिया में। इस अपडेट में क्या नए चेंजेस किए हैं, कितने MB का अपडेट है और क्या क्या कुछ भी जो होने वाला है, सब आपको आगे बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसेट टेक में। जैसा कि उन्होंने बताया, मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी के A52s के नए अपडेट के बारे में। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ जाना है अपने मोबाइल की सेटिंग्स पे। मोबाइल की सेटिंग में जाने के बाद आपको सॉफ्टवेयर अपडेट में चले जाना है, एंड देन डाउनलोड एंड इंस्टॉल वाले ऑप्शन पे चले जाना है। जैसे ही वहां पर आप चेक नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपको एक नया अपडेट यहाँ पर अवेलेबल मिल रहा है, और इस अपडेट में भी क्या नया चेंजेस किए गए हैं सब यहाँ पर मेंशन है। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, दिस डिवाइस इज प्रोटेक्टेड विद इंप्रूवमेंट सिक्योरिटी। इसमें सिक्योरिटी को इंप्रूवमेंट किया गया है, और क्या किया गया है, डिवाइस की स्टेबिलिटी को बढ़ाया गया है, बग फिक्सेस किए गए हैं, कुछ और न्यू एंड एनहांस फीचर एड ऑन किए गए और फर्दर इंप्रूवमेंट की गई है परफॉर्मेंस में। और नीचे की तरफ आएंगे तो इस अपडेट का जो साइज है 237.19 MB का, जिसकी सिक्योरिटी पैच लेवल है 1 अगस्त 2023 की। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ लेटेस्ट ऐसा कुछ नहीं दिया कि कुछ नया फीचर है कि नहीं, बट फिर भी हम इसको नए अपडेट्स के बाद डाउनलोड करने के बाद देखते हैं कि इस अपडेट के बाद क्या क्या नया यहाँ पर एड ऑन किया गया है। एक चीज़ और बताऊँ, जब भी मैं अपडेट करने के लिए बोलता हूँ तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपके मोबाइल की जो बैटरी है 50% के अबव होनी चाहिए, 50% के अबव होनी चाहिए। और साथ में आपका, जब भी मैं अपडेट के लिए बताता हूँ, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपके मोबाइल की बैटरी 50% के अबव होनी चाहिए, या तो आपका मोबाइल चार्ज पे ही लगा होना चाहिए, नहीं तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये दो चीज़ों का जरूर विशेष ध्यान रखें। और डाउनलोड इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पर इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिक आपका मोबाइल रिस्टार्ट मोड पे चले जाएगा, और ये कुछ टाइम लेगा, मतलब हो सकता है 10 से 15 मिनट भी ले ले, हो सकता है आधा घंटा भी ले ले आपकी स्पीड के हिसाब से। आधा घंटा तो नहीं लेगा, 10 से 15 मिनट या 20 मिनट ले सकता है। और हमेशा याद रखें कि जब भी आपका मोबाइल रिस्टार्ट होने लगा है, डाउनलोड इंस्टॉलिंग पे जा रहा है, तो खुद फोर्सफुली उसको ऑन करने की कोशिश ना करें, नहीं तो आपका डेटा वहाँ पर डिलीट हो सकता है। तो इसको होने देते हैं। तो फाइनली दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर ऑन हो चुका है अपडेट होने के बाद। जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद आपको यहाँ पर एक छोटी सी नोटिफिकेशन आएगी फ़ोन इज स्टार्टिंग करके, और ये बैकग्राउंड में आपका अपडेट होना चालू हो जाएगा। और जैसे ही ये अपडेट होगा उसके बाद आपका जो वर्जन नंबर वही का वही रहने वाला है 1UI का, सिर्फ इसमें सिक्योरिटी की इंप्रूवमेंट किया गया, मतलब कि आपको सिक्योरिटी में एक नया अपडेट मिल जाएगा। जैसे ही कह सकते हैं सिक्योरिटी लेवल आपको अगस्त 2023 की यहाँ पर मिलने वाली है। तो एक बार प्रॉपर तरीके से इसको ऑन हो देते हैं, फिर मैं आपको उसमें बताता हूँ। दोस्तों फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरह से अपडेट हो गया, योर फोन हैज़ बीन अपडेटेड। अब इसमें थोड़ा थोड़ा चेक कर लेते हैं कि क्या कुछ नया है। जैसा कि मैं यहाँ सेटिंग पे ले जाऊँ, सेटिंग में ले जाने के बाद आपको ले जा रहा हूँ अबाउट फोन में। अबाउट फोन में ले जाने के बाद यहाँ पर सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन पे आ गए। यहाँ पर आप देखेंगे 1UI 5.1 ही है, यहाँ पर आपको एंड्रॉयड वर्जन 13 ही मिल रहा है। नीचे की तरफ आएंगे आपको सिर्फ यहाँ पर एंड्रॉयड जो सिक्योरिटी पैच लेवल है वही आपको यहाँ पर 1 अगस्त का मिल रहा है, 1 अगस्त 2023 का इसी में अपडेट हुआ है। जैसे ही आप उसमें टैप करेंगे 3-4 बार तो ऑटोमेटिक आपको ले जाएगा एंड्रॉयड की वेबसाइट पे, और वहाँ पर आप पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या नया चेंजेस किए गए, क्या क्या बग किए गए, बग्स को फिक्स आउट किया गया, सब आपको यहाँ पर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। अब बात करें कि इससे पहले वाले में जो भी कुछ बग थे वो यहाँ पर रेक्टिफिकेशन हुए हैं या नहीं, वो तो यूज़ करने में पता चलेगा। मैं हर बार बोलता हूँ कि जब भी मैं नेक्स्ट अपडेट आएगा, जैसे कि अपडेट कर लिया है, इसकी वीडियो 1 से 2 दिन में आपको मिल जाएगी एक्चुअल रिव्यू के साथ। फिलहाल एक छोटा सा रिव्यू दे लेते हैं, जैसा कि अपन इसको यूज़ करके देखें। मैं कंटिन्यू 4-5 इकट्ठी ऐप खोल लेता हूँ, फिर आप देखें इसको चलने का तरीका। और यहाँ पर कंटिन्यू मस्त ये चल रहा है, अभी तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि कुछ डिफिकल्टी हो, यह यहाँ पर मस्त यहाँ पर चल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरी तरह से चल रहा है। अगर यहाँ पर गैलरी में आए, गैलरी में आके अगर फोटोज़ को आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं है कि चलने में दिक्कत आ रही हो, यहाँ पर सब तरीके से यहाँ पर बड़ा बड़ा चल रहा है, मस्त मज़े से चल रहा है। यहाँ पर अगर आप कॉल में आए या कॉन्टेक्ट्स में आके आप देखें तो इसमें भी आपको कोई इशू नहीं आएंगे, ये भी यहाँ पर आपको चल रहा है। ओवरऑल फिलहाल तो स्पीड इसकी सही साथ दिख रही है, अगर आप 4-5 ऐप खोलने के बाद भी यूज़ कर रहे हैं तो भी सही चल रहा है, मुझे ऐसा भी कुछ नहीं लगा। बट एक्चुअल तब पता चलेगा जब अपडेट होने के 2-3 दिन तक चलाएंगे, तब पता चलेगा बैटरी परफॉर्मेंस कैसी है, कुछ बग्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, कैमरा यहाँ पर चल रहा है या नहीं चल रहा, कैमरे में कोई बग तो नहीं आया आफ्टर अपडेट। ये सब चीज़ें एक्चुअल में तब पता चलेगी जब ये पूरी तरह से खुद अपडेट हो जाएगा, या बोल सकते हैं पूरी तरह से जब मैं इसको यूज़ करूँगा
परफेक्ट तरीके से, तब जाके ये मुझे बता पाएगा कि इसमें एक्चुअल में कुछ दिक्कत है या नहीं है। फिलहाल ये अपडेट सही है और हमेशा आपको मोबाइल को अपडेट करते रहना चाहिए, क्योंकि लेटेस्ट मालवेयर, लेटेस्ट वायरस से बचाने के लिए ये अपडेट बहुत अच्छा होता है। सिक्योरिटी अपडेट मतलब कि आपके मोबाइल की सिक्योरिटी को इंक्रीज करता है, चाहे फीचर नहीं भी हो तो भी आपको उसको अपडेट करना चाहिए। एक चीज़ और देख लेते हैं कि इसमें वाला फीचर दिया या नहीं दिया, पर वॉइस फोकस का भी कोई फीचर एड ऑन नहीं किया गया है। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पर वॉइस फोकस से रिलेटेड कोई भी नया फीचर एड ऑन नहीं किया गया, यहाँ पर सिंपली एक बग फिक्सेस किए गए और बस सिक्योरिटी को ही अनाउंस किया गया है। तो यही नया अपडेट था सैमसंग A52s की तरफ से, जो कि मैंने आपको बताया। इसकी नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर वीडियो आएगी, प्रॉपर रिव्यू आएगा। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू सो मच। दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो मुझे डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर DM करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले। तो थैंक यू।